हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम टू आई पढ़ाई। आज हम अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के इस नेक्स्ट लर्निंग सेशन में कुछ और फर्दर टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे और एक्सपेरिमेंटली उनको देखेंगे कि कैसे ये वर्क करते हैं। तो आज का ये एक्सपेरिमेंट इस के ऊपर बेस्ड है जो कि आपने बचपन में सभी लोगों ने पक्का कभी ना कभी ट्राई किया होगा। जब कभी भी हम किसी बर्थडे पार्टीज़ में डेकोरेशन का काम करते हैं या बलून्स के थ्रू कुछ डेकोरेट करते हैं, तो बलून्स को वॉल पे या कहीं पे भी स्टिक करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है। हम बलून को थोड़ा सा हेयर पे रब करते हैं या किसी क्लोथ पे रब करते हैं और उसको वॉल पे चिपका देते हैं और वो इजीली वहाँ पे चिपक जाता है। अब ये कैसे होता होगा इसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, बहुत ही सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में जो एक क्लोथ है, राइट साइड में एक वॉल है, सभी एकदम न्यूट्रल है क्योंकि जितने पॉजिटिव चार्जेस हैं उतने ही नेगेटिव चार्ज एसोसिएटेड हैं। ऑल आर न्यूट्रल। अब अगर हम न्यूट्रल बॉडीज़ को आपस में रब करेंगे तो क्या होगा। देखो, पहले मैं वॉल से रब करता हूँ। वॉल से ये मैंने इसको यहाँ पे रब किया, कुछ नहीं हुआ ना, देयर इज़ नो इफेक्ट। लेकिन ये वॉल पे जहाँ पे भी मैं छोड़ूंगा वहाँ रुका रहेगा क्योंकि ना अट्रैक्शन है ना रिपल्शन है, ज़ीरो चार्ज है। अब अगर मैं इसको क्लोथ पे रब करूँ तो क्या होगा, देखते हैं। क्लोथ पे रब कर रहा हूँ, वाह। क्लोथ पे रब करने से क्या हुआ कि क्लोथ के नेगेटिव चार्ज बलून को ट्रांसफ़र हो गए। बलून को ट्रांसफ़र हुए ना, देखो, नेगेटिव चार्ज क्लोथ के बलून को ट्रांसफ़र हो गए। हो सकता है क्लोथ की ऐसी प्रॉपर्टी रही हो कि वो अपने चार्ज को लूज़ कर देता है। अगर मैं अब इस बलून को छोड़ूंगा, इट विल गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड द क्लोथ। अब अगर मैं इसको वॉल के पास ले जाऊंगा तो क्या होगा, ये देखना है ना। ये अभी क्लोथ की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, अब वॉल के पास ले जाते हैं इसको। ओह, देख रहे हो इसने क्या किया, क्योंकि ये चार्ज हो चुका है ना, इट इज़ गेटिंग चार्ज, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा आ गए। अब वो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, वॉल के अंदर के इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल कर रहे हैं। देखो, जैसे जैसे बलून पास जा रहा है इलेक्ट्रॉन्स रिपेल हो रहे हैं और पॉजिटिव चार्ज इधर अट्रैक्ट हो जाएंगे, तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या होंगे, बलून को अपनी तरफ चिपका लेंगे। देखो, थोड़ा सा भी छोड़ूंगा तो ये वॉल की तरफ जाएगा, ये इस तरह से जहाँ जा रहा है वहाँ पे वॉल के इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज की तरफ स्टिक हो जा रहा है। और अगर मैं क्लोथ के पास ले जाऊँगा तो क्लोथ पे भी स्टिक हो जाएगा। तो दिस इज़ द फिनोमिना ऑफ चार्जिंग। ये इस तरीके से चार्ज किया जाता है बलून को। आई होप ये अभी सभी लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको इसकी थ्योरी के बारे में एक्सप्लेन करता हूँ। तो देखो, अभी हम लोगों ने जो डिस्कशन किया एक्सपेरिमेंटल, अब उसको हम थियोरेटिकली कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं ये हम लोग इस सेशन में देखते हैं। तो हम इस सेशन में बेसिकली कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और मेथड्स ऑफ चार्जिंग के बारे में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि और ये हमारे एक्सपेरिमेंट से किस तरह से लिंक्ड है। तो देखो, सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बताता हूँ, दैट इज़ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में जिसमें हम ना चार्ज कहीं से दे सकते हैं ना कहीं से चार्ज का ट्रांसफ़र हो सकता है, ऐसे सिस्टम में जो टोटल चार्ज होगा ना उस सिस्टम का, दैट चार्ज इज़ ऑलवेज कंजर्व्ड। लेट अस गिव यू एन एग्जांपल। मान लेते हैं ये एक ऑब्जेक्ट है और दूसरा एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर है ना। अगर मैं इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को एक बॉक्स में बंद कर देता हूँ, अब इस बॉक्स में ना कुछ आ सकता है ना इस बॉक्स से कुछ बाहर जा सकता है। अब लेट अस सपोज इनिशियली इसको +20 कूलम चार्ज दिया है एंड दिस इज़ +10 कूलम चार्ज। अब व्हाट इज़ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, दस टोटल चार्ज ऑफ दिस बॉक्स मस्ट बी 30 कूलम। ये हमारा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है। मतलब ऐसा होगा कि इन दो बॉडीज़ के चार्जेस का सम हमेशा 30 रहेगा। ये चार्ज आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं लेकिन इनका सम 30 से कम या ज़्यादा नहीं हो सकता।
मतलब इट मे बी पॉसिबल कि यहाँ से 5 कुलम चार्ज इधर चला जाए, है ना, ये हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है, उधर से 5 कुलम इधर आ जाए। लेकिन जब भी ऐसा कुछ ट्रांसफ़र होगा तो इसमें से 5 गया तो इसके पास बचेगा 15 कुलम, और सामने वाले का वो 5 मिला तो उसको भी मिल गया 15 कुलम। तो जब कभी भी ऐसा होगा ना, तो हमेशा याद रखना कि सम कंजर्व्ड रहेगा, सम विल नॉट चेंज। दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो चार्ज कभी भी ट्रांसफ़र होने से, एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे जाने से ख़त्म नहीं होता है, या उसकी वैल्यूज़ में कोई चेंज नहीं होता है अगर वो आइसोलेटेड है तो। नेक्स्ट देखो, अगर इसी के साथ हम एक प्रॉपर्टी को लिंक करें तो चार्ज जब भी ट्रांसफ़र होगा ना, तो वो अपने साथ मास एसोसिएट करके रहेगा। जैसा कि हमने अपने प्रीवियस सेशन में डिस्कस किया था कि चार्ज इज़ फंडामेंटल इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। और ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी एग्जिस्ट क्यों करती है? ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, ये इनकी वजह से एग्जिस्ट करती है। मतलब हर एटम में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होगा, मतलब हर किसी में चार्ज तो होगा ही होगा। अब सोचो कि एक न्यूट्रल बॉडी है, अब इस न्यूट्रल बॉडी को मैंने नेगेटिवली चार्ज कर दिया, ठीक है, दिस इज कन्वर्टेड इनटू अ नेगेटिवली चार्ज बॉडी। सेम बॉडी है ना, शेप पे मत जाना, दिस इज नेगेटिवली चार्ज्ड। अब इस बॉडी को नेगेटिवली चार्ज करने से क्या इसके मास में कोई फ़र्क पड़ेगा? तो हमेशा याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफ़र से ही ऑब्जेक्ट चार्ज होता है, ओनली ड्यू टू ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑब्जेक्ट गेट्स चार्ज, तो किस तरह से ऑब्जेक्ट चार्ज होगा यहाँ पर? क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज्ड है तो पक्का मैंने इसके साथ कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐड किए होंगे एन नंबर्स में, और वो एन नंबर के इलेक्ट्रॉन्स इसके ऊपर जाके अक्यूमुलेट हो गए एंड इट बिकम्स नेगेटिवली चार्ज। मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इज 9.1 × 10⁻³⁻³ kg। नाउ सी, अगर मैंने इसमें एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऐड किए, इनिशियली इट्स मास वाज एम नॉट, तो अब इसका मास क्या होगा? तो एम नॉट तो रहेगा ही रहेगा, प्लस एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो इसके साथ आए उनका मास इसमें और ऐड हो जाएगा, तो इट बिकम्स हैवियर। अब ये हैवी हो गया है, मतलब इसके मास को इसके मास से कंपेयर किया जाए, इफ़ दिस इज़ एम नॉट, तो ये है एम नॉट प्लस एन टाइम्स ऑफ एम ई। तो जब भी नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी होगी तो वो हमेशा हैवी हो जाएगी, वो इलेक्ट्रॉन्स के एक्सेस होने की वजह से उनका मास बढ़ जाएगा। अब अगर यही चीज़ पॉजिटिवली चार्ज बॉडी के लिए किया जाए, फॉर पॉजिटिव चार्ज, वी विल से एक बॉडी है, इसको मैंने पॉजिटिवली चार्ज कर दिया। अब देखो, इलेक्ट्रॉन्स किसी को मिल जाते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज्ड हैं, तो वो उस बॉडी को नेगेटिव चार्ज कर देते हैं। लेकिन अगर सोचो, ये एक न्यूट्रल बॉडी थी, ये एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट था, तो इसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स थे उतने ही इसके न्यूक्लियाई में प्रोटॉन्स रहे होंगे, एन इलेक्ट्रॉन्स एन प्रोटॉन्स, तभी तो न्यूट्रल है। अब अगर मैं इसमें से इलेक्ट्रॉन्स को निकाल लूँ, माइनस कर दो, अब इसमें से फ्यू इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड, एन स्मॉल एन नंबर के इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर दिए, तो क्या होगा? जो प्रोटॉन्स थे अब वो बढ़ गए नंबर में और इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए, ठीक है, ये सब्ट्रैक्शन का साइन है। तो इसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकाले और प्रोटॉन्स बढ़े, और जो एक्सेस चार्ज होता है वही हम रिप्रेजेंट करते हैं, जैसा कि हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया,
तो इसमें अगर फॉर एग्जांपल है ना, ऐसा देखते हैं कि इसमें 10 इलेक्ट्रॉन थे और 10 प्रोटॉन थे। अब मैंने इसमें से 4 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर लिए, माइनस कर दिए, तो अब इसके अंदर क्या बचा? 6 तो इलेक्ट्रॉन्स हैं और 10 प्रोटॉन्स हैं। अब क्या होगा? 6 इलेक्ट्रॉन 6 प्रोटॉन के साथ न्यूट्रल हो जाएंगे, तो बाहर क्या बचा? 4 प्रोटॉन के बराबर का चार्ज आ गया। तो जब हम किसी बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज करते हैं तो इलेक्ट्रॉन रिमूव की करना होता है, इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्ड। और जितने इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हुए ना, उतने के बराबर के प्रोटॉन्स इसमें एक्सेस चार्ज दे देंगे, तो इसका जो चार्ज हो जाएगा क्यू इज इक्वल्स टू एन ई पॉजिटिव के साथ। एन क्या होगा? जितने इलेक्ट्रॉन्स रिमूव किए गए। एन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्ड। एन तो ये है, ठीक है ना? जितने इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होंगे उतने ही इस पे प्रोटॉन्स आएंगे, और प्रोटॉन्स का चार्ज पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ई की वैल्यू +1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम रखेंगे, आंसर आ जाएगा। अब इसको देखो, अगर इसका मास है एम नॉट, तो इसका मास क्या होगा? एम नॉट में से इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होने के बाद बचा मास, एन टाइम्स एम। ये है फाइनल मास, ये है इनिशियल मास। तो मास डिक्रीज्ड मतलब पॉजिटिवली चार्ज बॉडी में मास कम हो जाता है और नेगेटिवली चार्ज बॉडी में मास बढ़ जाता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, एंड मैनी टाइम्स दे आस्क फ्यू कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस कि बताओ कौन भारी है कौन हल्का है, ऐसा हम यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं। बहुत माइनर सा डिफरेंस आएगा, बट दैट डिफरेंस इज नोटिसेबल अगर हम सेंसिटिव इक्विपमेंट्स यूज करते हैं। तो अब देखो, अब हम कुछ मैथड्स ऑफ चार्जिंग डिस्कस करेंगे। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और सबसे इंटरेस्टिंग मेथड होता है इंडक्शन मेथड। इंडक्शन मेथड में क्या करना है? विदाउट एनी कॉन्टेक्ट, चार्जिंग को हम इंडक्शन मेथड ऑफ चार्जिंग कहते हैं। बिना टच किए अगर मैं चार्जिंग करूँगा तो ये इंडक्शन मेथड होगा। यहाँ पे देखो हमने क्या किया है, फर्स्ट डायग्राम, एक इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर एक मेटल बॉल को रख दिया। अब क्या किया, इसके पास एक नेगेटिवली चार्ज रॉड लेकर आए। अब इसके अंदर के नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स मेटल के अंदर के इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करके दूर भगा देंगे। रिपल्शन होता है इक्वल सेम चार्ज में, तो इस नेगेटिव चार्ज ने मेटल के इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल कर दिया, दूर भगा दिया। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स राइट साइड में भाग गए, तो लेफ्ट साइड इसकी डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन का बिल्डअप हो गया, यहाँ डिफिशियंसी हो गई, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। अब हमने क्या किया, जब ऐसा सब हो गया तो हमने एक वायर को लेके अर्थिंग कर दी, अर्थ से जोड़ दिया। अर्थिंग करने से क्या होगा, इस एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ पे हमने अक्यूमुलेट किए थे, ये रॉड इन इलेक्ट्रॉन्स को धक्का मार के अर्थ में भेज देगी। रिपल्शन होगा ना, अब उनको जगह मिल गई, पहले वो सरफेस पे जाके अटक गए थे, अब कहाँ, बाहर तो निकल नहीं सकते, बॉन्डेड है। तो जैसे ही हमने उनको वायर प्रोवाइड किया तो उनको एक रास्ता मिल गया, इधर से उनको धक्का मिल रहा था, तो उस रास्ते से होते हुए अर्थ में चले गए इलेक्ट्रॉन सारे के सारे। जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स इधर वायर से कनेक्ट करने के बाद अर्थ में गए, हमने वैसे ही ये वायर तोड़ दिया। अब ये वायर हटा दिया यहाँ से, तो इलेक्ट्रॉन्स तो अर्थ में चले गए। अब कंडक्टर के ऊपर, मेटल के ऊपर से पॉजिटिव चार्ज बचा, और अब हम रॉड को हटाएंगे तो पॉजिटिवली चार्ज डिस्फीयर बन जाएगा। तो इंडक्शन मेथड में क्या होता है, ये मतलब बिना टच किए अगर हम किसी बॉडी को चार्ज कर रहे हैं, तो दिस फिनोमिना इज इंडक्शन। आई होप ये चारों पांचों स्टेप्स आपको क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट देखो, इसी का एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है इंडक्शन का ही, कि हम इंडक्शन मेथड से किसी भी अनचार्ज बॉडी को भी अट्रैक्ट कर सकते हैं। मतलब हमने ये तो पढ़ा ही है कि यार दो चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, रिपेल करते हैं,
लेकिन अनजज बॉडीज़ कैसे अट्रैक्शन रिपल्शन कर सकती है, तो उसके लिए देखना, एक कॉम्ब को हमने पहले रब कर लिया, कॉम्ब को पहले रब कर लिया। रब करने से क्या होगा, जैसा कि अभी हमने एक्सपेरिमेंटली देखा था, उसमें पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आने पे वो किसी भी अनचार्ज बॉडी को पुल कर सकता है, कैसे वो भी हमने एक्सपेरिमेंट में अभी देखा था। देखो पहला पार्ट, अगर कॉम्ब पे नेगेटिव चार्ज आए तो वो कोई भी अनचार्ज बॉडी के अंदर के इलेक्ट्रॉन्स को तो रिपेल करेगा और पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो क्या होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज पास आ गया है इस कॉम्ब के नेगेटिव के, तो इफेक्टिवली ये इसकी तरफ खिंच जाएगा, जैसा कि अभी बलून वॉल के इस तरफ खिंच गया था ना, वॉल मूव नहीं करने दे रही थी चार्ज को, लेकिन बलून जैसे ही चार्ज होके आया तो उसने उस वॉल के इलेक्ट्रॉन्स को दूर भगाया और पॉजिटिव के साथ जाके चिपक गया। ऐसा ही यहाँ पर अगले वाले एग्जांपल में, मान लो कि कॉम्ब पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो कॉम्ब का पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, अनचार्ज बॉडी के पॉजिटिव को रिपेल करके दूर भगाएगा और उसके इलेक्ट्रॉन्स उसके नेगेटिव चार्ज के साथ जाके चिपका देगा उसको। तो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग फिनोमेना, मतलब एक पेपर पीस या छोटे छोटे प्लास्टिक पीसेस अगर एक कॉम्ब के पास रख दिए जाए, और कॉम्ब अगर मान लो हमने रब करके उस प्लास्टिक पीस के पास या पेपर पीस के पास लाएंगे, तो वो कॉम्ब आराम से उनको पुल कर लेता है। तो ये अनचार्ज प्लास्टिक पीस कैसे ऊपर आ गए, ये तो हमने सोचा ही नहीं कभी। तो वो इसलिए आए क्योंकि हमने अभी एक्सपेरिमेंट में देखा कि प्लास्टिक के अंदर के सिमिलर चार्जेस को रिपेल करेगा और ऑपोजिट चार्ज के साथ जाके स्टिक हो जाएगा। वेरी इंटरेस्टिंग फिनोमेना इट इज़। नेक्स्ट देखते हैं, देखो चार्जिंग बाय कॉन्टैक्ट। तो विदाउट कॉन्टैक्ट तो हमने बहुत ही सिंपल तरीके से देख लिया कि भाई इंडक्शन होगा, चार्ज एक दूसरे से रिपेल होके दूर जाएंगे और जो दूर जाने वाला चार्ज है उसको हम वायर के थ्रू निकाल देंगे, तो चार्जिंग बाय इंडक्शन हो गया। अब चार्जिंग बाय कॉन्टैक्ट में क्या होगा, व्हेन टू बॉडीज आर कनेक्टेड विद डिफरेंट चार्जेस then charge will flow from one body to other body till they both come to same potential. ठीक है, अगर दो बॉडीज़ को कनेक्ट किया जाए तो चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे तब तक फ्लो होता है जब तक कि वो सेम पोटेंशियल पे ना आ जाए। और फ्लो डायरेक्शन क्या होता है चार्ज का, चार्ज के फ्लो का डायरेक्शन बहुत ही सिंपल है, याद रखने जैसा है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। हमेशा ऐसा होगा, हायर से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाएगा और तब तक जाता रहेगा जब तक कि वो दोनों सेम पोटेंशियल पे ना आ जाए। देखो पोटेंशियल क्या होता है इसके बारे में हम देखेंगे आगे, लेकिन ये एक तरीके का ड्राइविंग इफेक्ट है चार्ज को ड्राइव करने का। तो चार्ज को ड्राइव कहाँ से कहाँ करेगा पोटेंशियल, अपनी हायर वैल्यू से लोअर वैल्यू की तरफ। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, फ्लो का डायरेक्शन हायर से लोअर की तरफ है, तो लेट अस सपोज हमारे पास एक बॉडी ए है जिस पे चार्ज Q1 है और एक बॉडी बी है जिस पे चार्ज Q2 है। इफ़ पोटेंशियल ऑफ ए इज़ ग्रेटर देन पोटेंशियल ऑफ बी, अगर ऐसा दिया गया है या हमने मान लो कैलकुलेट किया है और फिर हम इनको जॉइन कर दें, अगर एक वायर को
वायर से इसको ज्वाइन कर दें। तो अगर वी वी इज द सिंबल फॉर पोटेंशियल, वी इज फॉर पोटेंशियल, तो जैसे ही हम इसको कनेक्ट करेंगे ना, तो चार्ज विल फ्लो फ्रॉम हायर बॉडी टू लोअर बॉडी पोटेंशियल, यहाँ से डेल्टा क्यू उधर दूसरी साइड जाना शुरू कर देगा। तो द फिनोमिना ऑफ चार्ज फ्लो इज बेस्ड अपॉन दिस कॉन्सेप्ट। तो जब भी हम चार्जिंग बाय कॉन्टेक्ट करते हैं, जब भी हम कॉन्टेक्ट करके चार्ज करते हैं, तो चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे चला जाता है। क्यों जाता है? बिकॉज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि वही इन चार्जेस को फ्लो कराने का मेन फैक्टर है। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बाकी पोटेंशियल के बारे में हम आने वाली कुछ सेशंस में देखेंगे। अब नेक्स्ट है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, रब करने से। देखो, इंडक्शन में हम एक एक फिनोमेना को एक बार कंपेयर करते हैं। इंडक्शन मेथड में रिपल्शन की वजह से चार्ज होने लगा था, और कांटेक्ट मेथड में हमने देखा ड्राइविंग इफेक्ट, ड्राइविंग फोर्स जो था वो ड्यू टू पोटेंशियल था, पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है तो वो चार्ज फ्लो करेगा और एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे चला जाएगा। अब चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में क्या होता है? व्हेन टू बॉडीज रब्ड, ओवर ईच अदर, देन चार्ज इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अदर एंड द एनर्जी टू ट्रांसफर चार्ज इज बाय एक्सटर्नल एजेंट वर्क, जो उनको रब करने के लिए वर्क कर रहा है ना, जो भी हम रब करेंगे, एक क्लोथ को एक मेटल रॉड पे रब करो या कुछ भी, या दो हाथों को हम जब रब करते हैं तो एक हाथ से दूसरे हाथ पे इलेक्ट्रॉन्स या चार्ज का ट्रांसफर होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स या चार्ज का ट्रांसफ़र होने के लिए उनको एनर्जी कहाँ से मिली? तो हम जब रब करने के लिए वर्क कर रहे हैं ना, दैट वर्क इज़ ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एनर्जी, और वो एनर्जी को लेके चार्ज एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होता है। तो दिस इज़ द बेसिक फिनोमेना ऑफ चार्जिंग। तो हमारे पास चार्जिंग के ये तीन बेसिक मैथड्स हैं, और भी बहुत सारे मैथड्स होते हैं, बट धीरे धीरे हम लोग उनको डिस्कस करते जाएंगे। तो आई होप सभी लोगों को यहाँ तक अच्छे से बहुत क्लियरली समझ में आया होगा कि किस तरह से हम लोग बॉडीज़ को चार्ज कर सकते हैं। तो आज के इस सेशन में हमने ये जो चीज़ें डिस्कस की हैं, सभी को अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, लाइक द सेशन, शेयर द सेशन विद ऑल अदर योर फ्रेंड्स, सो दैट मैक्सिमम स्टूडेंट गेट बेनिफिट ऑफ दिस। See you again in our next session. Take care. Goodbye.